अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी मैनेजर व्लॉग। भाई आज की वीडियो में तुम लोगों का ऐसा मैं वेलकम कर रहा हूँ ना, और अपना भी इतना प्यारा वेलकम कर रहा हूँ ना, तो यार तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। भाई इस टाइम हो रही फुल टाइम VIP स्टेडियम की टिप टिप बारिश, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, काले काले बादल भी आए हुए, और तुम्हारा भाई आया हुआ छत पे, और यकीन मानो क्या ठंडी हवा, क्या बारिश आ रही है, क्या भाई मजा ही आ गया। भाई सुबह से गर्मी गर्मी कर रहा था, गर्मी से हालत टाइट हुई पड़ी थी, और अब माशाल्लाह से मौसम इतना VIP हो गया ना कि मेरे भाई को सांस अड़ गए होंगे, भाग के ऊपर आए ना छत पे। ओए होए 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 क्या मौसम हो रहा है यार, मजा आ गया। भाई भाई मोबाइल की ना बैटरी लो थी तो फ्लैश बंद हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग होना बंद हो गई थी, तब दोबारा तुम्हारे फैन ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यार, यकीन मानो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बाहर। यार ये देखो पूरा माहौल चेक कर रहे हो आप लोग, भाई बारिश हो रही है हल्की हल्की, और बड़ा बड़ा बेहतरीन किस्म का मौसम हो रहा है यार, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये देखो पूरी छत भी गीली हो चुकी है इस टाइम हमारी, लेकिन भाई यकीन मानो सुबह से इतनी गर्मी थी। अभी अभी ना मैंने पिछला व्लॉग एंड किया है अपना, छोटा सा बना के ना 5 मिनट का, उस पर यार दिल ही नहीं कर रहा था, तुम्हारा भाई ने बहुत ज्यादा अपसेट हुआ पड़ा था। है यार सारी बातें छोड़ो, बहरहाल पिछला व्लॉग तुम्हारा भाई ने अपलोड कर दिया था, उस पर तुम रीजन देख लेना जो भी थी, लेकिन अभी इस टाइम जो है ना भाई जान, इस टाइम तो सिर्फ टाइम है मौसम एंजॉय करने का, और वो भी फुल टाइम VIP मौसम एंजॉय करने का। देखो अभी काले काले ना बादल वहां से है, तो इसका मतलब है बारिश यूं आ रही है, मतलब यहाँ से ये यूं बारिश आ रही है इस जनरेशन पे। तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा ये देखो कतरे से नज़र भी आ रहा होगा कि बारिश यूं आ रही है, क्यों, क्योंकि देख रहे हो बादल भी काले काले उस जगह पे हैं, तो ये जैसे जैसे क्लोजअप आ जाएंगे ऊपर तो फिर बारिश का रुख हो जाएगा यूं, फिर बारिश यूं आएगी। बस थोड़ा सा मैं मौसम इंजॉय कर लूँ, उसके बाद मोबाइल को लगा लूँ मैं चार्जिंग पे, और ये देखो ये मेरे पास मूवीज भी आया हुआ है टक टक लेके, और भाई ये टक टक नहीं बजा सर खा रहा है। अच्छा यार अब जो है ना मैं जा रहा हूँ नीचे मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूँ, उसके बाद आगे जो है ना छत पे सुकून से इस बारिश को एंजॉय करते हैं, इस पे नहाते हैं, कोशिश करते हैं भाभी को कहते हैं कप चाय भी पिला दें, फुल मौसम को एंजॉय करते हैं, और थोड़ी देर बाद तुम लोगों से मिलते हैं। यार बारिश में तो मैंने एंजॉय कर लिया था, लेकिन ना मैं ना दुकान में गया था कोई चीज लेने, तो यार वहां पे ना बच्चे आए हुए थे, कोई ना पापड़ शापड़ ले रहे थे अजीबो गरीब, तो भाई तुम्हारे भाई ने जब वो पापड़ सुना ना, उस पापड़ का नाम था मामू की सुको, मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ, तुम लोग चेक करना यार पापड़ का नाम क्या था, ये देखो, तो भाई ये देखो क्या नाम है, बिरयानी। तो भाई तुम्हारे भाई ने भी ले लिए फिर बिरयानी, पर मौसम अच्छा है ठीक है, अभी अजाने हो रही है, अजाने खत्म हो जाए ना उसके बाद चलते हैं छत पे और तुम लोगों के सामने ट्राई करते हैं। तो भाई अब मैं आ गया हूँ छत पे, ये देखो ये है मेरे पास पापड़ मामू की बिरयानी, तो यार आओ इसको जरा ओपन करके देखते हैं कि मामू की बिरयानी पे ऐसा है क्या, पकीज़ा का है, अच्छा यार पकीज़ा का है, पकीज़ा तो हमने पहले खाया है भाई, उसका अच्छा टेस्ट है, तो यार मामू की बिरयानी खोलते हैं ज़रा। ओए होए होए खुशबू आ रही है यार पापड़ खोलते साथ ही, तो भाई इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे पापड़ हैं ठीक है, नज़र आ रहे ये कुछ इस तरह से, इसके अंदर पापड़ है, इसके अंदर पहले तो मेरे ख्याल से ये बोटी हैं ठीक है, और ये इसके अंदर चावल है, मतलब कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, और ये समझ लो ये इसके साथ चावल है और ये बोटियाँ ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये बड़ी लेग पीस है और ये छोटी वाली बोटियाँ और ये चावल है। यार खा के देखें टेस्ट कैसा है, मुंह पे पानी आ रहा थोड़ा सा, फिर से खा दें बिस्मिल्लाह, समझ नहीं आया यार टेस्ट, उसमें से थोड़ा सा चिकन का ही आ रहा है वैसे, और ऐसे वो कराची वाली बिरयानी खाई है आपने अक्सर, उसके अंदर नींबू होता है, इतना बड़ा उन्होंने नींबू डाला हुआ होता है, और बिरयानी से नींबू की खुशबू भी आ रही होती है और टेस्ट भी आ रहा होता है, सेम वही फ्लेवर आ रहा है। अच्छा हाँ ये देखो भाई इस पर नींबू भी बना हुआ है ना, इसलिए तो यार टेस्ट तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन मज़ेदार। तो भाई देखो पापड़ तो निकला बढ़िया, तेरा इसलिए मैं नीचे आ गया, और मैं आप लोगों को बता दूं वो जो है ना मामू की बिरयानी नहीं लीमू की बिरयानी था, मैंने पापड़ लाना था मामू की बिरयानी और मैं ले आया लीमू की बिरयानी, बड़े अजीब व गरीब नाम नाम के पापड़ पड़े हुए और भी बहुत सारे दुकान पे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भाई बहुत सारे पापड़ लेने अजीब व गरीब नामों के, और उनका फिर हम रिव्यू भी करेंगे, उनको व्लॉग बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। बताना तुम लोगों को अभी ये कैसा लगा नाम अजीब था लीमू की बिरयानी, यार अजीब सा नाम ही है, और उसका फिर पापड़ है, फिर उसका पापड़ के अंदर ना फिर ये देखो चिकन है, उसके अंदर चिकन बनाई हुई है वो डाली गई, फिर उसके अंदर चावल डाले हुए हैं, वो इतने इतने से जो है वो चावल डाले हुए हैं,
फिर जो उसपे बोटियां डाली हुई है, लीमू डाले हुए, वही बड़ा पापड़ बनाया, बड़ा सॉस उसमें आया। और बच्चे जो है ना बहुत शौक से यहाँ पापड़ खाते हैं भाई। अभी तक जो है ना कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुल टाइम मज़ा आ रहा है। यकीन मानो हमारा भाई तो सुबह भी इतना नहाया ना, शाम को भी इतना नहाया बारिश पे, अभी भी जो है ना बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। तो यार इतनी बारिश हुई है तो भाई तुम्हारा भाई निकल पड़ा मोटरसाइकिल लेके अपनी लाडो रानी को लेके थोड़ा सा व्यू पॉइंट इंजॉय करने के लिए। और मैंने कहा यार जरा बारिश के बाद बाहर के भी हालात देख लें। हालात तो हमने घूम लिया, फिर लिया, फुल इंजॉय कर लिया अपनी छत पे, लेकिन थोड़ा सा इंजॉयमेंट आके बाहर करना भी बनता है। तो भाई तुम्हारा भाई इस टाइम आ गया अपने मेन फ्रीड गेट भावलपुर पे। तो भाई इसकी खूबसूरती चेक करो यार तुम, जब बारिश होती है ना तो भाई इसकी खूबसूरती हो जाती है डबल ट्रिपल। और माशाल्लाह से रोड देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बारिश के बाद माहौल चेक करो कैसा ओपी हो गया है। यार इसी वजह से जो है ना मैं बाहर आया था, मैंने कहा चलो तुम लोगों को थोड़ा सा व्यू भी दिखा दूँगा और ख़ुद भी थोड़ी सी बाहर हवा खा लूँगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, लोगों को बाहर बारिशें होती है ना, लोगों के गटर खुलते हैं और पानी जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बारिशें होती है ना तो भाई गटर बंद हो जाते हैं, बल्कि उनमें से भी पानी जो है ना वो बाहर आने लग जाता है। तो भाई बस अब मैं जो है ना व्यू इंजॉय कर लिया, तुम लोगों को भी करा दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट फ्रीज गेट का जो दिखाना था। अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ और चलते सीधा घर लिया। भाई साहब बिजली अभी भी गरज रही है, इसका मतलब है कि अगेन दोबारा बारिश होने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी खैर अल्लाह बेहतर जानता है। सुबह से वैसे भी 10 दफ़ा बारिश हो चुकी है, जिनमें से 3-4 दफ़ा तो अच्छी खासी हुई है। और आप देखते हैं दोबारा बारिश होती है नहीं होती, क्या सीन है वो तो आप होगी तो ही पता लगेगा। तो भाई ये देखो तुम्हारा भाई जो है ना रात को आया था घर आया था। घर आने के बाद जो है ना भाई लाइट ही चली गई थी, मोबाइल भी बैटरी थी, मोबाइल ऑफ हो गया था। तुम्हारा भाई जो है ना फिर उसके बाद लाइट आई थी 2-3 बजे, मोबाइल चार्जिंग में लगा के गेम हो गया था। और सुबह तुम्हारे भाई की हुई है कोई 12 बजे, नाश्ता वगैरह करके आए हूँ अभी तकरीबन 1 घंटा पहले। अब हो रहे हैं 2 बज रहे हैं इस टाइम। और तुम्हारा भाई आया छत पे, मैंने कहा यार ब्लॉग तो हमारा चल रहा था, उसको तो हमने कंटिन्यूसली दोबारा करना है। और तुम लोगों को एक और चीज़ मैं दिखाता जाऊँ इस ब्लॉग को एंड करते हुए। भाई वो देखो दोबारा काले काले बादल आ रहे हैं भाई, क्या बात है क्या वो यार। ये लाइट चल रही है अभी तक भाई, हुकूमत की बिजली जा रही है ना, हुकूमत को टेंशन थोड़ी जानी तो फिर भी हमारी जेब से ही है, हुकूमत को थोड़ी चीज़ की टेंशन है। लेकिन जो भाई इसका मतलब है शाम को फिर बनेगा हरामी मौसम, बड़ा वीआईपी मौसम बनेगा। और क्या बात है यार तुम्हारे भाई को ठंडी हवा और बारिश से इतनी मोहब्बत है ना, यकीन मानो। क्योंकि यार जितनी दुनिया जहाँ की टेंशन हो ना आपको, जब बारिश और मौसम अच्छा हो जाए ना और वो भी गर्मियों पर, तो भाई उसका मज़ा हो जाता है दुबाला। तुम्हारे भाई को जहनी सुकून मिल जाता है और इतना कुछ सुकून मिलता है ना अंदर, इतना कुछ चिल तुम्हारा भाई हो जाता है ना, जिसका कोई तुम लोगों को मैं बता नहीं सकता। तो ये देखो अगर अभी तक तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना पूरी, और तुम लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन मानो तुम लोगों ने बहुत बुरा किया ये मेरे साथ। ये लोग ये चीज़ जो है ना तुम लोग मैं नाइंसाफ़ी नहीं करे ये हरकतें करके। तो भाई अभी करो तुम अपने भाई के साथ इंसाफ और इस चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक लाजमी से। तो यार बस मैं जो है ना सोच रहा हूँ व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से दूसरा व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।